What a wonderful world. And I hope you guys are doing great. So today's video is a Myntra try on haul. इसके अंदर मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैंने विंटर वेयर, अभी जो फॉल सीजन है और विंटर्स आने वाली है, तो मैंने उसके अप्रोप्रिएट कैटेगरीज में क्लोथिंग आइटम मंगाए हैं, तो अभी मैं आप सबके साथ वो शेयर करूंगी। और मिंत्रा पे अभी दिवाली सेल चल रही है, तो उस पर काफी अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे, तो अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप भी वहां से ले सकते हो। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्लोथिंग आइटम आई हैव इज दिस। ये एक मास्ट एंड हबर का स्वेट शर्ट है, यहाँ पे टैक्स लिखा हुआ है हैप्पी थॉट्स। और इसका जो प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस है वो 1699 है, पर मैंने इसको आई थिंक 509 में लिया था, क्योंकि बहुत सारे लिए थे तो डिस्काउंट मिल गया था। तो अब मैं इसके ओरिजिनल प्राइस का स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। और इसके से स्लीव्स में यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच वाला मटेरियल है, और इसका वो साइज है, ये मैंने ऐसे मंगा, ये हाई नेक है, मतलब इतना भी वो यहाँ तक जो हाई नेक होता है वो नहीं है, काफी कंफर्टेबल है। और मटेरियल भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, पर ये एक्सट्रीम विंटर्स के लिए नहीं है, थोड़ी नॉर्मल जो विंटर्स होती है उनके लिए, एक्सट्रीम के लिए नहीं है। और इसका जो कलर है वो मिंट ग्रीन, इस पे तो ब्लू हेज दिखा है, पर इसका जो कलर है वो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देता है। इसके यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रेचेबल्स है, ऐसे रबर लगा हुआ है नीचे भी, मैं अभी आपको ट्राई ऑन करके बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि ये कैसा दिखता है। तो ये स्वेट शर्ट इस प्राइस के लिए काफी सही है। सो नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम आई हैव इज दिस। ये इसका ओलिव ग्रीन कलर है, और ये भी एक स्वेट शर्ट है, इसका मटेरियल कॉटन ब्लेंड लिखा हुआ है, इसके भी ऐसे सेम स्ट्रेचेबल है यहाँ से, और यहाँ से ये रोस्टर का है। और इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 999, पर ये मुझे डिस्काउंट में, मैंने बहुत सारे लिए थे तो ये मुझे 399 के अराउंड था, क्योंकि मैंने इस कैटेगरी में बहुत सारे लिए थे, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसका कलर बहुत अच्छा, और ये मतलब अभी जो सीजन है, मतलब थोड़ी ठंड होती है वो, और अगर नॉर्मल नवंबर जो विंटर्स होती है उसके साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। और ये एकदम बेसिक है, इस पर कोई ऐसे टेक्स्ट और नहीं है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो। तो ये मुझे कलर भी काफ़ी यूनिक लगा, और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा सही है। और अगर आप और एक कैटेगरी के लोगे तो आपको और इस पर ऑफ मिल जाएगा। तो ये था, अभी मैं ट्राई ऑन करके बताऊंगी तो आपको पता चलेगा। और विंटर्स में से थोड़े डार्क कलर, थोड़े यूनिक से कलर अच्छे लगते हैं, तो ये वाला कलर काफी अच्छा लग रहा है। सो नेक्स्ट स्वेट शर्ट आई हैव इज दिस। ये एक मरून कलर का स्वेट शर्ट है, इसमें थोड़ा मतलब लाइट लग रहा है कैमरा में, पर इसका जो कलर है वो काफी डार्क है, और ये भी हाई नेक है प्रॉपर, जो यहाँ तक हाई नेक नहीं होती वो नहीं है, पर ये हाई नेक है। और इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 1399 है, पर मुझे ये 419 के अराउंड पड़ा था। इसमें भी सेम है, यहाँ पे स्ट्रेचेबल मतलब ये है स्लीव्स के इधर भी, और यहाँ पे भी लगा हुआ है इसका, यहाँ पे एक टैग लगा हुआ है रोस्टर का, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा। और ये भी, ये तो वॉर्म भी है, मतलब ये काफ़ी वॉर्म है, इसके अंदर ऐसे फर वाला जो मटेरियल होता है वो लगा हुआ है, तो ये विंटर्स में मतलब काफ़ी गर्म रहता है, तो ये मतलब आप एक्सट्रीम विंटर्स में भी पहन सकते हो। तो ये उस टाइप का मटेरियल है, और अंदर से भी मतलब वो सॉफ्ट वाला फर वाला मटेरियल है, तो वो काफ़ी वार्म रहता है, और बाहर से भी इसका लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये भी मैंने एस में मंगाया, तो इस प्राइस के अंदर ये भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि ये दिवाली ऑफ चल रहा है तो उसमें भी आप लोग देख सकते हो। तो ये कुछ ऐसा है, कलर भी काफ़ी यूनिक सा है, डार्क सा, और यहाँ पे भी इसके एक टेक्स्ट एंडलेस लिखा हुआ है, उसमें भी ऐसे ओम्ब्रे शेड, ऊपर कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा पर पूरा वाइट नहीं है, ऊपर से जैसे रेड है और फिर नीचे ऐसे वाइट है, तो उसमें भी काफ़ी यूनिक सा एक पैटर्न बना हुआ है, तो ये काफ़ी ऐसा अच्छा लग रहा है। मैं ट्राई ऑन करके बताऊंगी तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम आई हैव इज दिस। ये रोस्टर की एक जीन्स है, बॉयफ्रेंड जीन्स, और स्ट्रेट फिट मतलब आया, तो इसके यहाँ पे ऐसे प्लीट्स है, और ये हाई वेस्टेड है, और इसकी ओरिजिनल प्राइस आई थिंक 2299 है, पर मैंने आई थिंक इसको 919 में, इसकी जो भी ओरिजिनल प्राइस होगी वो अभी जो करंट प्राइस होगी उसके साथ स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगी। और इसके जो ये एंकल लेंथ इतनी ज़्यादा मतलब ये ऑलमोस्ट फुल है, मेरी जो हाइट है वो 5'6" है, तो उसके अकॉर्डिंग, और इसके ऐसे रिब वाला मटेरियल है ऐसे नेक पर, एकदम बॉयफ्रेंड जीन्स है, तो उसकी फिट भी काफ़ी अच्छी है, मैं अभी ट्राई ऑन करके बताऊंगी तो आपको पता चलेगा। और इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा, और ये भी आई थिंक रोस्टर से ही है, हाँ ये भी रोस्टर से ही है। तो ये है नेक्स्ट, इसका जो कलर है वो भी जो डार्क ब्लू ब्लू ऐसे पूरा मिक्स है, तो ये वाली डेनिम मैंने एक वहाँ से
मंगवाई है। ऐसे इसके बैक में भी पॉकेट्स पे ऐसे थ्रेड से वर्क है और आगे भी। सो नेक्स्ट स्वेट शर्ट आई हैव इज दिस। ये एक ब्राइट येलो स्वेट शर्ट है, रोस्टर का ही है और यहाँ पे इसके ऐसे रोस्टर का टैग ऐसे लगा हुआ है। और इसकी प्राइस आई थिंक ओरिजिनल वाली 899 है, पर इसको मैंने 359 समथिंग में लिया था, तो इसकी क्वालिटी और सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इसकी करंट प्राइस के साथ मेंशन कर दूंगी। एकदम ब्राइट कलर है तो आप इसको वो किसी के साथ भी लेयर कर सकते हो, मतलब एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा तरीकों से पहन सकते हो। और इसका भी आई थिंक मटेरियल कॉटन ब्लेंड है। एक्सट्रीम विंटर्स के लिए नहीं है, पर अभी जो सीज़न है ये उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं ट्राई ऑन करके बताऊँगी तो आपको पता चलेगा। लास्ट स्वेट शर्ट है वो ये है। ये एक बहुत अच्छा पिंक कलर का स्वेट शर्ट है। ये जो मैंने अभी येलो आपको दिखाया था ये उसका ही एक दूसरा कलर है, पर ये मुझे कलर मैंने ऐप पे देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर ये जो मेरे को रिसीव हुआ है स्लाइटली डिफरेंट है उससे, पर ये कलर भी मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने इसको एक्सचेंज नहीं कराया। ये भी एस में है, इसका भी साइज एस है और ये काफी अच्छा मतलब लग रहा है। इसका भी सेम पैटर्न है, कलर भी बहुत अच्छा यूनिक सा है, पेस्टल पिंक का ही, ऐसे डार्क पिंक नहीं है जो मतलब ऐसे आंखों में एकदम वो होता है, तो ये ब्राइट पिंक भी नहीं है। कलर काफी अच्छा लगा मुझे और उसका ही पैटर्न था। और ये भी आई थिंक 359 अराउंड ही कुछ होएगा। इसकी वैसे ये प्राइस अभी ज़्यादा है, मैं देख मतलब जो करंट प्राइस है वो अभी मेंशन कर दूंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या प्राइस है। तो यही था लास्ट आइटम, भी मैं ट्राई ऑन करके दिखाती हूँ। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो एंड इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय।